नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, 3 जवान शहीद, कई घायल, सेना के काफिले को आतंकियों ने बनाया निशाना। बेलगाम रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा नोटबंदी के कारण हुई मौतों के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार। वहीं शाहजहांपुर रैली में अमित शाह ने यूपीए के घोटाले गिनाए। नोट बदलने के आरोप में रेलवे अधिकारी पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, रेलवे अफसर पर केस दर्ज। अधिकारी पर 8,22,00,000 रुपए को 2,000 के नए नोटों में बदलने का है आरोप। तेलंगाना में कांग्रेस के 9 विधायक समेत 11 विधानसभा सदस्यों को एक दिन के लिए किया गया निलंबित। विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही को किया था बाधित। सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी में विधायकों के दल बदल पर उठा रहे थे बहस की मांग। तुर्की के कायरेसी शहर में बम विस्फोट, 13 सैनिकों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी, सैनिकों को ले जा रही बस को बनाया निशाना। और टेस्ट सीरीज के 5वें और अंतिम मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म, 477 रनों पर सिमटी इंग्लैंड की पहली पारी, भारत ने 20 ओवर में 60 रन बनाए। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए टीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।